टॉर्टस डे के दिन पैदा हुई थी, मतलब इसको पूरे 3 साल हो गए, नहीं 4 साल, 4 साल बहन, 4 ईयर्स ओल्ड। गुल्लू का आज एक तरह से अगर हम देखा जाए तो बर्थडे भी है। अब ऐसे गुल्लू का अगले हफ्ते है। बहन टॉर्टस डे जो है वो तो इंग्लिश वालों का ना, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का तो तिथि के साथ चेंज होता है, उनका फिक्स डेट होती है। चलो हमारी होली होती है, अंग्रेजों का तो भगवान ये लो दोनों पकड़ो, गुगू भी पकेगा। चलो ऐसे पकड़ा रही हूँ ना, रुकती है। चलो चलो, हैप्पी डॉटर्स डे, अब नानी माँ चाची का गिफ्ट दो। चलो हैप्पी डॉटर डे, कटोरियाँ देनी, मैं कटोरियाँ, रुक जाओ। सही में प्लानिंग हमारी यही थी कि आइसक्रीम केक लेके आएंगे ताकि कोई गुल्लू जैसा बंदा घर ना लेके जाए। पापा का फेवरेट है इसलिए आया यार। गुल्लू का ही अच्छा लग रहा है, कहाँ से आया, प्रिया लेके आई है मुझे लग रहा था। सोनी के ऐसे कपड़े खरीदती नहीं है। प्रिंस बहन इसका, इसको अब तो घर ले जाने में ये पहना रही है, ये कपड़े हमारे पास रख दे, हमारे आने जाने में कुछ चम्मच है, चम्मच नहीं, नेक्स्ट टाइम धो के दे दूंगी ना। हाथ से धो रही होती है, मैं छोड़ दूंगी ना उसको। गुल्लू को ले भी जाएंगे फिर, ठीक है। कब लेके जाएगी? फ्राइडे, फ्राइडे गुल्लू को बर्थडे है, फ्राइडे तो नहीं। ओ फ्राइडे बर्थडे है, तुमने कुछ करना ही नहीं है तो के हम यही केक काटेंगे। हाँ। यहाँ पे मैं उसको सेलिब्रेट करा दूंगी। एक बार तुम श्राद्ध में खाना खाते हो? अरे भाई केक तो काटेंगे ना, चंच रही हूँ, खाना खाते हो पूरे श्राद्ध में भूखते रहते, तो हमें तो ट्रीट दे दो, हम तो खाना खाते हैं। आ जाओ, सीपी परिक्रमा, कोई आदमी मर रहा तो याद ही ना। अब फ्राई बोलो नानी, मैं नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ तो कुछ कह थोड़ी रही है नानी, तो पूछ रही है आपसे, प्यार से बोलो नानी मैं स्कूल जाऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा ना। बोलो फ्राइडे आऊंगा, फ्राइडे आ जाऊंगा। लाओ फ्राइडे गुल्लू का बर्थडे बोल दूं, बोल दूं, डिनर कर लेंगे गुल्लू के बर्थडे के नाम का, मुझे बता देना, मैं पेटीएम करता हूं मम्मी मुझे। हाँ। क्या कह सकते, यही कर सकते, फिर यही करेंगे हम खुद ही। मम्मी बेशर्मों से यही कर लो एक बार। अरे इतने बेशर्म को फर्क नहीं पड़ेगा, खा लिया तो कोई बात नहीं, नहीं स्कैनर दे दो, ठीक है स्कैनर दे दो। गुल्लू का बेटा आ रहा है, चाची के को चले क्या, मम्मी कहाँ गई, आई नहीं, पारी कर दे, टंकी दे रही, मैं टंकी क्या बोलता हूँ, बेटा हैंड वॉश करेंगे, चल उधर से निकलो आप नानी, ये ले चॉकलेट, छोटी ही जाएगी, लाओ करो। पारी करो, दीक्षा छोड़ देंगे मैं बाहर तक, क्योंकि टंकी भी है ना, पारी टंकी, हाय टंकी ले गई, आराम से गुल्लू देख, गिर ना जाओ आप, मम्मा और ले लेगी, मजे भी नहीं है। अरे पैसे थे ना पानी भरती थी इसलिए मांज ले, ढक्कन का इसके साथ सो जाओ, हंसो मत यार, आप हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंसो मत। मिल गया तेरे को टाइम आने का, अब चल जल्दी सो गई तो तेरे को टाइम मिल गया आने का। यार आप हंसे क्यों यार, चल जल्दी प्रैंक याद आ गया यार, चल जल्दी तेरे आती देख, सोने के ड्रामे कर रही थी इसने बोला था सो जा सो जा, डैश डैश डैश, तेरी गाली आती ना फिर रिश्ते नहीं आते तेरे, मेरे को नहीं चाहिए। 2 मिनट में हिलो, फटाफट नहा लो, कहीं मेरा इंतजार करो, 2 मिनट में नाश्ता करके तुम मुझे नहा करके 2 मिनट में बाहर चाहिए, मेरे को लेट कर देते हो रोज की रोज, नहीं तो मैं क्या करूंगी, नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मैं यही कर सकती हूँ, अपना नाश्ता खुद बनाओ। तो कोई धमकी दे रही थी जैसे पता नहीं मुझे छत से नीचे बैठने की, वो तो तुम उठोगे नहीं ना मेरे से, उठने का नहीं, भूख मारेगी तो गिर जाऊंगा। हाँ वैसे ये भी है,
चलो वो भी विचार कर लूंगी मैं, पर तुम फटाफट से उठ के तो टॉवल ले लो, कभी इंतजार में बैठे रहो नहाने के लिए। मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए गोपाल जी को स्नान करा लेते हैं अपने, और इसके साथ ही मैंने बनाया है खाने में आज घिया चने की दाल और मूंग की दाल। अब आप लोग कहोगे दो दो दाल एक साथ क्यों, वो इसलिए कि घिया चने की दाल मेरा बेटा नहीं खाता, और मेरे जो हस्बैंड है उनको खानी थी आज चने की दाल, तो इसलिए मैंने उसके लिए बना दी है मूंग की दाल। वैसे मैंने भिंडी बनाई है और साथ में तैयार करी है ब्रेड, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो ब्रेड है वो मेरी फेवरेट है जो मैं बनाती हूँ, तो वैसे तो मैं उसको तैयार कर चुकी हूँ, बस रफली आप लोगों को बता दूँगी कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये बना दी पहना दी है मैंने वाइट ड्रेस, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये प्रॉपर वाइट भी नहीं कह सकते इसको, ऑफ वाइट सी यही है। तो अब इसके साथ ही कर लेते हैं श्रृंगार, इसका मैचिंग का सामान देखते हैं। वाइट तो आई थिंक प्रॉपर मेरे पर कुछ नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ ढूंढते हैं पहनाने के लिए। और ये है इनका पटका, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, बिल्कुल न्यू माला मैं पहना रही हूँ आज पहली बार। ये मेरे पास पहले की रखी हुई थी, आई थिंक किसी सब्सक्राइबर ने दी थी या मैंने परचेज़ की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम की रखी है तो मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये पहन लिया है मेरे गोपाल जी ने मोतियों की माला, गोल्ड में तो फ्रेंड्स सब में आएगा ही, क्योंकि प्योर वाइट आई थिंक मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे गोपाल जी का श्रृंगार मैंने ये किया आज, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे को तो। मेरे को तो खैर मेरे गोपाल जी लगते ही सुंदर हैं। तवा रख लिया, ये बना रही हूँ मैं सूजी वाली ब्रेड। इसमें मैंने मलाई ले ली है, सूजी ले ली है, और सारी सब्जियाँ अपनी पसंद की चॉप करके ले सकते हैं। नमक, काली मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो मैंने इसमें डाला है। सब्जियाँ आप देख के बताइएगा मैंने कौन कौन सी डाली है। तो अब इसकी बना लेंगे हम ब्रेड। तो चलिए इंजॉय कर लेते हैं अपना नाश्ता, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें सूजी और मलाई के साथ में सारी सब्जी। तो फिर तवा मैंने ऑन कर दिया, गर्म हो रहा है। इतने हम ब्रेड के ऊपर अपना मिक्सचर लगा लेते हैं, वन साइड ही लगाना है बस ये, और इसमें ऑयल वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मलाई डली हुई है। और बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता खाने में। मेरे घर में जब भी मलाई होती है तभी मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए, हम इसको तवे पर रख के अच्छी तरह से दबा देंगे। सेकेंड ऑप्शन ले लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स अब इसको एक तरफ से पलट लेंगे। ये देखिए, अब दोनों तरफ से इसको पलट के सेक लेंगे और हरी चटनी के साथ करेंगे इसको इंजॉय। इसमें कोई घी तेल वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, जो मलाई है वो अपना घी छोड़ देती है इसके अंदर। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सीख चुकी है, बस अब इसको सर्व करेंगे और बहुत ही टेस्टी लग रही है, यकीन मानिए मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड जा रही हूँ चंचल दी के घर, क्योंकि राधिका दी आई है उनसे मिलने। तो राधिका दी वांट्स की तुम भी आ जाओ, तो मेरा वैसे भी प्लान था कि आज भी जाएंगे चंचल दी से मिलने, तो चलो चलते हैं। पानी की बॉटल ले ली है, शूज पहन लिए, तो वहीं से निकलेंगे डायरेक्ट जिम। लड़की मेरे से नहीं, मेरे से कौन मिलेगा? बेटा प्रीति बोलती है, ओए होए,
लैला तेरी ले लेगी। तू लिख यार अभी भी अभी भी ओ यार ऐसे मत करो यार। अच्छा जी सबको डैडी ने बता दिया राधा के मजे हो रहे हैं। चाय नाश्ता अब खाएगी मैक्रोनी राधा की ऐश है। और यह है मेरे लिए रीति देख मेरे लिए हैं इसमें बदतमीज की क्या बात है किसी ने मुझे दिया है तो मैं इसे बदतमीज थोड़ी हाँ यार मैं तो सीधा जाऊंगी इसका पता नहीं तू तो गाइस ये इनके अलग ही फैशन चल रहे हैं डब्बी तो बढ़िया है एक ने पूछा चंचल जी का कोई चाइल्ड नहीं है चाइल्ड हेरा चंचल जी का चाइल्ड चंचल जी का चाइल्ड ऑस्ट्रेलिया में है गाइस ये रहा मिलेंगे तो हम राधिका की कॉकटेल की वीडियो डालते हैं ये रहा आज बनी है स्पेशल डिमांडेड मैक्रोनी बाय मीनू आंटी मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग में बताऊंगी चंचल जी के घर रेसिपी हाँ और रील्स कर दो फिर शुरू खाना खाने का चंचल जी के घर मजा अलग है। लो गाइस मैं तो नहीं खाऊंगी जिम जाना है मेरे को आप खाओ और रीति खाए खा ले मेरे शेर